नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेड। गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 8वां दिन है। मार्केट जब ओपन हुआ था तो मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन मैंने एक ट्रेड ले लिया। जोमैटो का स्टॉक ऊपर जा रहा था, मेरे को लगा ये और ऊपर जाएगा क्योंकि ये अगले दिन काफी नीचे आ चुका था, और सच में जोमैटो ऊपर गया। बट मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं नीचे आ गया तो मेरा पैसा माइनस में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। मात्र 240 रुपया के साथ मैंने इस वाले स्टॉक से एग्जिट ले लिया। लेकिन गाइस, आप हैरान रह जाएंगे, जैसे ही मैंने एग्जिट लिया मार्केट और ऊपर गई। इतना ऊपर गई कि मैंने जहाँ लगाया था वहां से ये वाले स्टॉक और 8 पॉइंट आगे जा चुकी थी। 8 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, मैंने 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग किया था। अगर मार्केट 8 पॉइंट ऊपर गई थी तो मेरे को यहाँ पर 800 रुपया का प्रॉफिट होता, लेकिन मेरे को पता नहीं चला और मैंने एग्जिट ले लिया, जिससे कि मुझे मात्र 240 रुपया का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद मैंने जो अगला ट्रेड लिया वो लिया आदित्य बिरला में। देखिए, ट्रेड लेने का अपना अपना रूल होता है, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या देख करके लेते हैं, इन सब की स्ट्रेटजी होती है, कैंडल को समझना होता है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं अभी आपको सिर्फ ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड लिया। हम आपको अभी सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहे हैं, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको सिखाएंगे भी कि कैसे ट्रेड लेना है। तो आदित्य बिरला में मैंने एक ट्रेडिंग लिया डाउन साइड के लिए, जिसमें मुझे करीब करीब 200 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया आदित्य बिरला के अंदर ही, क्योंकि इस वाले स्टॉक के कैंडल को मैं समझ चुका था कि इसमें क्या होने वाला है और मेरी प्रेडिक्शन भी सही हो रही थी। यहाँ पर आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पाओगे, मैंने एक बार फिर से करीब करीब 11:30 बजे बाय साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया। मैंने इसमें ट्रेड क्यों लिया, तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनाया है और यहीं से मेरी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद मार्केट सच में ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर गई। उसके बाद जो मेरे को जहाँ पर निकलना है उसके लिए यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया। ये पॉइंट आप देख पाओगे, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट अभी यहाँ पर है और मार्केट को यहाँ से ऊपर जा करके इस वाले बॉक्स के अंदर जाना है। जब मार्केट इस बॉक्स के अंदर जाएगी तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगा, 1-2 मिनट में तो नहीं होता है, 1.5 घंटा लग गया और मार्केट इस वाले बॉक्स के अंदर पहुंची। आई मीन मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच की और वहां पर मैंने एग्जिट लिया। तो मिला जुला करके इस वाले स्टॉक में भी मेरे को करीब करीब 315 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने इससे एग्जिट ले लिया। इसके बाद मैं इसमें नहीं गया। इसके बाद मैंने जितना भी ट्रेड लिया वो सारा का सारा ट्रेड संवर्धना मोटर्स में लिया। चूंकि आपको इंट्रा ट्रेडिंग में 5x का मार्जिन मिलता है और आज मेरा डे 8 है, तो मैं 8000 कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहा था। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग कम स्कैल्पिंग ज्यादा की है। आप इसको ट्रेडिंग ही बोलिए, स्कैल्पिंग तो और भी छोटा होता है। स्कैल्पिंग में आपको 10 सेकंड 15 सेकंड में लाखों का लॉस और लाखों का प्रॉफिट लेके निकलना पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग किया है जहाँ पर मैंने 2-2 पॉइंट से ट्रेड लिया है। हाँ, लास्ट टाइम में इस वाले स्टॉक में मैनिपुलेट हुआ, मैंने बाय साइड ट्रेड लिया और मेरे को लगा कि मार्केट एक ही पॉइंट ऊपर जाएगी। जैसे मैं बाहर निकला, मार्केट 2-3 पॉइंट और ऊपर चली गई। जहाँ से मैंने सेलिंग के लिए लगाया था वहाँ से भी मार्केट ऊपर चली गई। वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं बाहर निकला। उसके बाद फिर जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मार्केट तुरंत डाउन आना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पर मेरा ब्रोकरेज कट गया एक्स्ट्रा फालतू का और मुझे लॉस भी हुआ। अगर मैं वहाँ से नहीं निकलता तो मेरे को फायदा होता। इसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे आने लगी लास्ट टाइम में, मैंने फिर से सेलिंग के लिए ट्रेड ले लिया, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे तो गई। नीचे जाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चली गई, तो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस वाले पार्टिकुलर स्टॉक में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। एक बार मैंने यहाँ पर करीब करीब 300 का प्रॉफिट बनाया था, फिर मैंने इसे बढ़ा करके, चूंकि मैंने इसी में ट्रेड लिया, तो ये 600 हो गया। और फाइनली आप यहाँ पर देख पाओगे, मैंने यहाँ पर करीब करीब मैंने जो सेलिंग किया था 200 क्वांटिटी से, यहाँ पर मेरे को 700 प्रॉफिट चल रहा था इस वाले स्टॉक में। ओवरऑल आज मैंने 1200-1250 का प्रॉफिट बुक किया है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैंने करीब करीब 17-18 ऑर्डर ले लिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे को यहाँ पर टोटल 1210 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है, और ऑर्डर चेक करें तो मैंने आज टोटल 18 ऑर्डर लिया है। अगर एक ऑर्डर में 20 रुपया भी कट रहा है तो मेरे को 360 रुपया का ब्रोकरेज लग रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को मात्र 800 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितना आप कम ट्रेड लीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने 18 ट्रेड ले लिया। हालांकि आप स्कैल्पिंग करते हो तो ट्रेड और भी बढ़ सकता है, लेकिन इंट्रा ट्रेड में कम से कम ट्रेड लीजिए, एंट्री अच्छे से बनाइए, तभी आपको फायदा होगा। और चूंकि मेरे पास क्वांटिटी कम है ना, अगर क्वांटिटी ज्यादा रहता, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया क्वांटिटी रहता, तो यहीं पर मुझे 1200 नहीं 12000 का प्रॉफिट होता, और उसमें से जो ब्रोकरेज करता वो करीब करीब 1000 रुपया के आसपास होता। तो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। खैर, हमारा बिगिनियर चैलेंज है, हर रोज मैं अपने कैपिटल में 1000 रुपया ऐड कर रहा हूँ। तो देखेंगे कल के मार्केट में क्या होगा। आज के मार्केट के लिए इतना ही। कल हम लोग 9000 रुपया कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करेंगे और देखेंगे कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारा 100 दिन पूरा होगा तो हमारी कैपिटल बढ़ करके 1 लाख रुपया हो चुकी होगी, क्योंकि मैं हर दिन 1000 रुपया ऐड करने वाला हूं। 100 डे ये चैलेंज है। 100 डे तक आपको प्रॉफिट लॉस सब दिखाएंगे। 100 डे में आप तय करना। मैं बिगिनियर हूं, मैं भी ट्रेडिंग करने नहीं जानता। मेरे इस चैलेंज से आपको पता चलेगा कि 100 दिन के अंदर ट्रेडिंग सीखा जा सकता है या नहीं। तो आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हैं। इसके पहले मैंने 400 प्रॉफिट किया था, उसके बाद मैंने 250 का लॉस किया था, और आज मेरे को 1210 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, 800 रुपया मान लीजिए। तो मिलेंगे कल के वीडियो में और देखेंगे कल क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।